जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, लगता है कुछ नेता सभी मर्यादाओं को ताक पर रख के गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। साथ ही यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव से पहले गंदी राजनीति की सभी सीमाएं पार कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार राहुल गांधी ने अपने बयानों से ऐसा माहौल बना दिया है कि अब ऐसा लगने लग गया है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए ओछी राजनीति से भी नहीं चूकेगी। हाल ही में राहुल गांधी ने जयपुर में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने सत्ता के लिए पार्टी के निम्न स्तर की राजनीति को दर्शा दिया। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी अपने प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ घृणा अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार को राहुल गांधी ने जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राजनीति सही में इतनी गंदी होती है कि नेता किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। राहुल केंद्र सरकार को रफाल के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर तो कहा, साथ ही वह यह भी कह गए कि जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। एक महिला होने के नाते मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि क्या एक महिला किसी पुरुष की रक्षा नहीं कर सकती? क्या उन्हें निर्मला सीतारमन की काबिलियत पर कोई शक है कि वो इतने घृणित शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर गए? बाद में राहुल ने अपने ट्विटर पर लिखा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोदी जी, इन आर कल्चर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बिगिंस एट होम, स्टॉप शेकिंग, बी अ मैन एंड आंसर माय क्वेश्चन, डिड द एयरफोर्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट व्हेन यू बाईपास द ओरिजिनल रफाल डील, यस और नो, हैशटैग रफाल स्कैम। यहाँ एक बात समझना मुश्किल है, वह यह कि जब कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है तो क्यों बार बार वो इस मुद्दे को उठाकर सवाल खड़ा कर अपने साथ साथ जनता का भी समय नष्ट कर रहे हैं। उनका यह लिखना कि बी अ मैन एंड आंसर देश की महिला ऑफिस बियरर्स जैसे इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी आदि की काबिलियत पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भूल गए हैं कि जब उनके पिता की हत्या हुई थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनकी मां सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने का निवेदन किया था। 1998 में भी ऐसा ही हुआ था और अब भी कई कांग्रेसी नेता मांग करते हैं कि राहुल गांधी की बहन को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। उस दौरान तो किसी ने नहीं कहा कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया एक महिला के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है या पार्टी एक औरत के सामने जाकर सहायता की भीख मांग रही है। हाल के दिनों में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रफाल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष के झूठ का बखूबी रूप से पर्दाफाश किया था और ये बता दिया था कि रक्षा मंत्री के रूप में वे सक्षम है और वो रक्षा मंत्रालय का कार्यभार बखूबी रूप से संभाल रही है। अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि निर्मला जी सवालों का सही तौर से जवाब नहीं दे सकती तो फिर भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा महिला विरोधी शायद ही कोई होगा। अपने इस कथन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की परंपरा और संस्कृति को भी दर्शा दिया है कि आखिर किस पुरुषवादी सोच से ये पार्टी ग्रसित है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को यूं ही नहीं छोड़ा और आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उनकी अच्छी क्लास लगाई, जहां उन्होंने कहा कि हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी। ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं।
एक महिला रक्षा मंत्री का पान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसे संज्ञान में लेते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी महिला विरोधी, आक्रामक, अनैतिक तथा सामान्य रूप से महिलाओं के मान एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध असम्मान जाहिर करती है। इसी के साथ ही आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी अपने ट्वीट के जरिए अपना रोष प्रकट किया और लिखा, व्हाट इज राहुल गांधी ट्राइंग टू इम्प्लाई विद हिज मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट। एक महिला से कहा मेरी रक्षा कीजिए, डज ही थिंक वुमेन आर वीक। द आयरनी कॉलिंग एन अकम्प्लिश्ड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अ वीक पर्सन। इसी के साथ आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आहत करती है वह यह कि आखिर राहुल गांधी किस तरह की राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या राहुल को नारी शक्ति में विश्वास नहीं है? अगर नहीं तो कृपया कर वे अपनी दादी इंदिरा गांधी, माँ सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी की ओर एक बार ज़रूर देखें, तब शायद उन्हें समझ आएगा कि आखिर नारी शक्ति क्या होती है। ऐसे में एक नेता जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता और नारी शक्ति पर ही तंज कसे, वे देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लायक है या नहीं, ये आपको तय करना है। अंततः राहुल गांधी जी, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कृपया करके अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, अन्यथा लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की बात है, आप किसी निकाय चुनाव जीतने के भी लायक नहीं रहेंगे। और साथ ही ऐसा ना हो कि महिलाएं ही आपकी हार की सबसे बड़ी वजह बन जाए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति।